सभी लोगों का नमस्कार। और आज मैं सुबह आया तो मैंने देखा कि मौसम में बदलाव फ़िलहाल के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा लू आजकल चल रहा है और एक बहुत ही एक्सट्रीमिटी देखी जा रही है मौसम में, दिल्ली में खासकर, दिल्ली और ये नॉर्थ बेल्ट में। तो रात में काफ़ी आंधी चल रही थी और सुबह ये देखिए बहुत ही अच्छी हवा चलते हुए, और बहुत दिनों बाद एक अच्छा सा आभास, और केवल हमारे लिए नहीं, जो हमारे पक्षी हैं उनको भी थोड़ा रिलीफ, क्योंकि मैं देखता हूँ लू में बेचारी बैठी रहती हैं धूप में भी, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो ये देखिए हवा चलती हुई और अच्छा सा मौसम आज बहुत दिनों बाद, पेड़ों के लिए और पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि इस बार देखिए इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि ऑटो लगा जो एकदम भर जाते हैं, जिसे हम लोग 9 o'clock भी बोलते हैं, वो भी हो ही नहीं पाया। और ये पेड़ इतने टाइम से बिना बारिश के एकदम धूल सी जम गई थी, ये हम लोग का गुलमोहर भी जो है हरा रहता है, देखिए पीला सा हो गया है, कैसे झेलेगा। और यहाँ देखिए हम लोग का कितना वेजिटेशन ज़्यादा रहता था, ये वाला एरिया जो है यहाँ पे एकदम कम हो गया है। और ये गुड़हल और बोगनवेलिया और कनेर हमारे सर्वाइव कर रहे हैं, पर वही है बहुत ही दबी सी हालत में। तो बहुत ही अच्छा होगा अगर बारिश हो जाए और ये थोड़ा सर्वाइव कर पाए, क्योंकि हम लोगों के लिए भी इतने लंबे टाइम तक बचा पाना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। और बहुत ख़राब लग रहा है इस बार ऐसे देखते देखते, इसकी भी यही हालत है। ये तो चल जाते हैं क्योंकि थोड़ा रफ टेरेन के होते हैं, और बाकी हमने यहाँ पे एग्रोनेट लगाया था, पर हम लोग की छत पे इसमें लगातार धूप आती है। तो अच्छे अच्छे पौधे जो कभी भी मतलब ऐसा वो नहीं दिखाया था, ये देखिए सूख रहे हैं, काफ़ी पौधे सूख गए। पीछे देखिए गमले हम लोगों ने स्टैक कर रखे हैं जो धीरे धीरे वो हो गए, ये छाया में रख के भी ये हाल है। और बस नॉर्मल पौधे भी नहीं, कैक्टसों का भी बुरा हाल है। तो एक हम लोग खुद ही कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार हैं मनुष्य। और ये कुछ चंपा वगैरह हम लोग इस बार नया लिए थे, तो थोड़ा सा बारिश होती है तो फिर बीच में देखिए लिली वगैरह भी दिखाई दे रही है, तो लिली एकदम से खिल जाएगी और मैं उसकी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा। तो आज के लिए एक अच्छे से ताजगी भरे मौसम की शुरुआत करते हुए, और ये देखिए हमारी गौरैया, आपका अभिनंदन करती हूँ। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक्स और कमेंट्स और मेरे तक ज़रूर पहुँचाइएगा कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, मैं कैसे आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। इसी के साथ मैं अनुराग, आज 20 जून 2024, नमस्कार।